अभी अलवर के थानागाजी में हुए दुष्कर्म मामले में आरोपियों को सजा भी नहीं मिली और सभी आरोपी गिरफ्तार भी नहीं हुए। इससे पहले ही हैवानों ने चित्तौड़गढ़ में 5 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म की वारदात कर डाली। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले को तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी डालचंद भील को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सुशील लड्ढा ने SP अनिल कयाल से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। बाल कल्याण समिति मेरे साथ मेरे तीनों सदस्य, हम लोग अभी बच्चे से मिलकर आए हैं। बच्ची बड़ी सौभाग्यशाली रही कि उसको कोई अंदर डैमेज और कोई चोट ज़्यादा नहीं आई है। एक दुखद हादसा उसके साथ हुआ है जो बहुत बुरा हुआ है, और अब बाल कल्याण समिति ये करने जा रही है कि इस बच्ची के साथ जो हुआ है उसका, इसको हर्जाने के रूप में जो सरकारी प्रावधान है वो सारा पूरा मिलेगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ADJ सुनील जी ओझा साहब से बात की। पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 है, उसमें अंतरिम राहत भी होती है, तो उसके लिए आवेदन, इसीलिए हम अभी SP साहब से भी मिले हैं, थानेदार के माध्यम से ये होगा ताकि बच्ची को अंतरिम राहत भी मिलेगी और केस पूरा होने पर पूरा राशि उसे मिलेगी।